तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है हमारा डैक्स क्यूरी, सॉरी पावर क्यूरी की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं डेटा यहाँ पे लोड कर लिया हुआ और मैंने बताया कि मुझे डेटा के अंदर कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो हम डेटा लोड करके पावर बी आई कैलकुलेशन ना करके मैं यहीं पे करना चाहता हूँ। यही पे आपको दिखा है एड कॉलम, हमने यहाँ पे एक कस्टम कॉलम को सिलेक्ट किया और कस्टम कॉलम में मैंने यहाँ पे दे दिया डिफरेंस, DIF डिफरेंस के बारे में, और फिर हमने यहाँ पे बोला अब यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला कि एस्टिमेट माइनस एक्चुअल, यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। अब अगर देखिए फॉर्मूला में कोई दिक्कत होता तो यहाँ पे आपको एरर दिख जाता, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं है। देन हमने इसको ओके किया। अब यहाँ पे देखिए मेरी कैलकुलेशंस आ गई, ठीक है। तो आप यहीं पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, यहीं पे आप जो है अपना बहुत सारा प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो, राइट। इसके बारे में हम धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं। तो फिलहाल हमने बताया आपको कि किस तरीके से एक नया कॉलम ऐड करके हम कैलकुलेट करेंगे। जब हमारा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा तो अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका पावर बीआई में वापस आ जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ इस चीज को जानिए, क्योंकि जो कैलकुलेटेड फील्ड होती है उस पर बहुत सारे चीजें वर्क नहीं करती। जो आपका कैलकुलेटेड फील्ड होता है उसमें बहुत सारे फीचर्स वर्क नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया कि कैलकुलेशन यहां पे नहीं किया, कैलकुलेशन आपने डैक्स क्यूरी में ही कर लिया। देखिए यहां देखिए DIF के लिए लगा भी नहीं आपका, ये आपकी कैलकुलेशन आपके सामने आ गई, आ गई। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ये नॉर्मल जो डेटा एंट्री होती है, नॉर्मल जो डेटा इंपोर्टेड होता वही होता। तो ट्रांसफर पावर क्यूरी का बेनिफिट समझ में आया आपको कि नॉट ए कैलकुलेशन, बहुत सारे चीजें हम वहीं पे करेंगे और फिर यहां पे डेटा को लोड करेंगे, राइट सर। ओके, अब जैसे कि मैं बोल रहे हैं कि इसका कैलकुलेटेड का ऑप्शन बताते हैं, चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक्चुअल का सम करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, तो क्या करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे करना है। जैसे मैं फाइनेंस का जानना चाहता हूँ, चलिए बताता हूँ आपको। और ध्यान रखिए कैलकुलेटेड ऑप्शन कभी भी कॉलम्स के लिए नहीं, हमेशा मेजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके? तो हमने मेजर्स पे आए और मैं यहां पे चाहिए, मान लीजिए मुझे चाहिए टोटल इसका फाइनेंस का टोटल चाहिए, राइट। तो यहां पे हमने फाइनेंस का लिया। तो जनरली क्या करेंगे आप, हम लोग हमने क्या बताया था कि हम यहाँ पे मतलब सम करना है तो सम एक्स लगाते हैं, सम एक्स, और फिर यहाँ पे हम फिल्टर का फॉर्मूला देते हैं। फिल्टर में हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंडीशन सिलेक्ट करते हैं। कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन है हमारा रीजन, नहीं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इक्वल टू हमने यहाँ पे फाइनेंस कर दिया, राइट सर। फिर उसके बाद मुझे सम एक्स में बताना होता है कि मुझे सम किसका करना है, तो हमने बोला मुझे सम करना है इसका एस्टिमेटेड, राइट। तो यहाँ पे हमारा सम आ जाएगा और इसको उठा के हम रख देते हैं, टोटल आ गया। तो इसमें कितना लंबा फॉर्मूला आपने लगाया, अब इसी फॉर्मूले को अब देखिए कैलकुलेट कितना इजीली कर देता है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट का फॉर्मूला लगाता हूँ, कैलकुलेट, कैलकुलेट में हमें क्या करना है, तो हमें सम करना है। सम किसका करना है, तो सम करना है हमें इंडस्ट्री इक्वल टू फाइनेंस, ये सिंपल हो गया। तो फाइनेंस आपको फिल्टर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप कैलकुलेट करते हैं, इसका सिंपल सा मेथड आप समझ लीजिए कि जब आप कैलकुलेट का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको
फिल्टर का जरूरी नहीं पड़ता है, और फिल्टर से ज्यादा सिंपलाइजेशन है। और इसमें एक और फायदा है कि मुझे इसमें कई सारे सम भी करना है, मैक्स भी करना है, तो यहाँ पे सम की जगह मैक्स कीजिए, काउंट कीजिए, और कई सारे कैलकुलेशन करना है, कई सारे कैलकुलेशन करना है उस केस के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना है, क्या कंडीशन लगाना है, फाइनेंस के साथ साथ मान लीजिए मुझे कुछ फंस गया तो फाइनेंस के साथ साथ मैं चाहता हूं यहां पे सम ही होता है इसमें, इसे मल्टीपल कंडीशंस में लग रहा है ग्रेटर देन नहीं पकड़ता है। मैं यहाँ पे अगर 50 कर दो तो सॉरी ये सेम कॉलम का लेता है, मल्टीपल कॉलम नहीं लेता है। यहाँ पे अगर मैं सीट इंडस्ट्री को ये सिलेक्ट करूँ और इसमें मैं देता हूँ सर्विसेज, सर्विसेज नहीं है तो सर मल्टीपल कॉलम का कैसे करना है? क्या मल्टीपल कॉलम हो गए तो सेम कॉलम तो आपको वो आपका ये करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसके दो पार्ट होते हैं सर, अगर बीच में आपने इस तरह का सिंबल लगाया तो ये आपका और होता है, मतलब उसने फाइनेंस को भी लिया है और सर्विसेज को भी लिया है, बात समझे? उसने फाइनेंस को भी लिया है और सर्विसेज के लिया है। अगर मैं कॉमा करूंगा एंड हो जाएगा, तो एंड कहां लगेगा? जैसे मुझे 0 और 50 के बीच का डिफरेंस का सम चाहिए, तो यहां पे मैं लिख दूंगा डीआईएफ डिफरेंस, हमने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर हमने यहां पे दिया डीआईएफ लेस देन इक्वल टू 80 या 50 जो भी कर दीजिए। पीछे रीजन कुछ और, एक मिनट दे दीजिए। ओके रीजन यहां है कि टेक्स्ट को नहीं डिलीट करता है, टेक्स्ट है ना नंबर 1, मतलब कि ये टेक्स्ट था जिसने वो नहीं कर पा रहा है। मैं इसको नंबर कर देता हूं होल नंबर, आप देखिए यहां पे रीजन ये था सर। आगे नहीं चलते, दो अलग अलग कॉलम, एक डिफरेंस वाला कॉलम और एक अलग कॉलम, दो कंडीशन अलग अलग कॉलम। अच्छा वो मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे इंडस्ट्री इक्वल टू फिर हमने यहाँ पे डी आई एफ सिलेक्ट किया ग्रेटर देन 0 सर। यस सर, सो कैलकुलेट में हमेशा सम ही आएगा, सम एक्स नहीं आता है, राइट?
नहीं समेक्स लगाएंगे तो फिर समेक्स अलग हो गया, कैलकुलेट की जैसा ही समेक्स होगा जो कि सिर्फ सम करता है, बट कैलकुलेट में आप सम के तो आप काउंट मैक्स मीन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सब कर सकते हैं। ओके ओके समझे? यस सर। एवरेज सब कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप कॉमा लगाते हैं तो एंड होता है और करना है तो उसके लिए इसको लगाते हैं। पर दो से ज्यादा कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पर जी। जैसे हम लास्ट टाइम दो से ज्यादा नहीं हो सकते नहीं राइट ट्राई नहीं हो सकता है ट्राई कीजिएगा ना पता चल जाएगा। नहीं मेरे एक जगह ना दो से ज्यादा वाला एंड फॉर्मूला वर्कआउट नहीं हुआ मैं कर रहा था तो फिर मुझे एक अलग कॉलम बनाकर बात एंड फॉर्मूला इसमें जो दो से ज्यादा कर सकते हैं ठीक है सर ठीक। और इसमें हम फिल्टर का भी इस्तेमाल करते हैं आगे चल के, इसमें हम फिल्टर का भी इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेट फॉर्मूला आपको हम डेक्स पूरी पर अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ठीक। इसको आप ट्राई कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो हम थे ट्रांसफॉर्मर नहीं, हम आप बात कर रहे थे पावर क्वेरी के बारे में। तो सॉरी पता नहीं हिचकी उठ गई अब समझ नहीं आ रहा। तो हमने आपको समझाया कि किस तरह से हम डेटा लोड करते समय ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात नहीं है कि मान लीजिए कि मुझे लोड करते समय कर सकते हैं बाद में अगर जरूरत पड़ी तो यहां हम ट्रांसफॉर्म पे अगेन क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे पावर क्वेरी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो जरूरी नहीं है कि आप जो है डेटा लोड करते समय करें। आप डेटा लोड कर चुके हैं उसके बाद भी आप होम जाए और यहाँ पे आपको लिखे यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है तो ट्रांसफॉर्म डेटा भी क्लिक करते ही आपको अगेन पावर क्वेरी खुल के आ जा रही है। अब इसमें सबसे पहले जानी है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसके पहले समझ लीजिए। एक क्लोज एंड आपका अप्लाई है। न्यू सोर्स मतलब कि आप सोर्स को चेंज करना चाहते हो या फिर इसमें कोई डेटा मैन्युअली ऐड करना चाहते हो। ठीक है जैसे आपने डेटाबेस से लोड तो कर लिया लेकिन कुछ डेटा इसमें नीचे ऐड करना है तो आप एंटर डेटा पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हो एक नया टेबल में। उसके बाद यहाँ पे अगर डेटा सोर्स की सेटिंग है और यहाँ पे पैरामीटर्स है। अब ये पैरामीटर्स क्या होता है तो पैरामीटर्स में हमने यहाँ पे मान लीजिए लिया और पैरामीटर्स में हमने यहाँ पे दिया न्यू पे क्लिक करता हूँ पैरामीटर वन पैरामीटर अलग होता है इसका यहाँ पे ज्यादा जरूरी नहीं है। इंट वैल्यू एक्सेल की तरह होगा ये लेकिन नहीं अलग है जिसको मैं एक डिलीट मार देता हूँ। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पैरामीटर्स के बारे में पैरामीटर्स का मतलब होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक चीज और बेस है फिल्टर करता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस का डेटा लेता हूँ यहाँ से हटा दिया हमने और यहाँ पे फाइनेंस को ओके किया ये हमारा फाइनेंस का डेटा है। ठीक है अब मैं इसको एक बार यहाँ से क्लोजर अप्लाई करता हूँ। सर एक एक और कर सकते हैं क्या मुझे वो टेबल जो डुप्लीकेट बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वो एक बार बताना ना ट्राइंग टू रिकॉल मुझे याद नहीं आ रहा। डुप्लीकेट टेबल के लिए कुछ फॉर्मूला यूज किया था हमने टेबल के लिए तो क्या फॉर्मूला चाहिए क्या करना चाहते हैं आप? डुप्लीकेट टेबल बनाया था ना हमने कुछ तो इक्वल टू टेबल का एक फॉर्मूला था वो याद नहीं आ रहा। डुप्लीकेट मतलब कि आपको जैसा है सेम उसी का टेबल चाहिए हां ये चाहते हैं ना
जी तो यहाँ टेबल में हम आते हैं और यहाँ पे आपको ऑल चाहिए, यहाँ पे TT1 ऑल का फॉर्मूला था, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे टेबल में हमने दिया C2 ऑल का, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ आपने ध्यान शायद नहीं दिया कि मैंने क्या किया कि हमने मैनेज डेटा में गया और मैनेज डेटा में हमने फिल्टर लगा लिया। अब देखिए यहाँ सिर्फ फाइनेंस का यार है, इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि हम फिल्टर का फॉर्मूला लगाते हैं और फिल्टर के फॉर्मूले में वहां पे फाइनेंस डालते हैं तो यहाँ पे एक नया टेबल बन आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मुझे सिर्फ फाइनेंस का ही डेटा चाहिए तो हम यहाँ फिल्ट्रेशन क्यों करें, हम डायरेक्ट अपने मैनेज डेटा में कर देते हैं। तो यहाँ पे डेटा ही आएगा, जो मेरा डेटा जो आया है वो सिर्फ फाइनेंस का डेटा आएगा। हमने क्या किया, हमने अपने पावर क्वेरी में जस्ट जाके फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगाते समय हम यहाँ पे फाइनेंस को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है सर? अब यहाँ पे मुझे लोड होगा फाइनेंस का, जो यहां हम करेंगे जो यहां विजुअल होगा वही होगा, राइट। अब यहाँ पे एडवांस फिल्टर में जाइए तो जैसे कि इक्वल फाइनेंस हुआ और चाहिए या एडवांस उन्हें लगाना है तो या कई सारे कॉलम्स हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको करूंगा। फिलहाल आप क्या कीजिए, फाइनेंस डेटा के ऊपर अच्छे तरह से स्टडी कीजिए सर, ठीक है।